हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स ये क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कहाँ से प्रोड्यूस होती है ये हम सबको पता है हमारे घर में लाइट्स फैंस बल्ब सब किस वजह से चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से तो अब हम सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे जो होता है एक सेल हम सब ने सेल देखा होता है हमने एवरी डे का एक एवर रेडी का एक सेल देखा होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एवर रेडी सेल यू कैन सी ओवर योर सो दिस सेल ये होता क्या है ये तो अगर मैं किसी भी रिमोट में सेल डालती हूँ तो रिमोट फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है तो मैं बेसिकली सेल uh, के थ्रू कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ और ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी की वजह से आपका रिमोट चलने लग जाता है तो सेल इसी तरीके से दिखता है जो आपको दिखाई देता है अब इसके आ, अंदर की कहानी क्या है सबसे पहले तो ये जो सेल बना हुआ है ये इसके अंदर की कहानी यहाँ पर है तो ये जो सेल है इसका ये जो आउटर सरफेस है ये आउटर कवरिंग है ये जिंक कैन की बनी होती है जिंक मेटल की बनी होती है और ये जो ये ये जो पार्ट आपको दिखता है ये पार्ट एक मेटल कैप होता है एक मेटल कैप के फॉर्म में होता है आपको पता है एक फ्लैट सर्विस होता है और एक कैप के फॉर्म में होता है तो ये मेटल कैप है यहाँ पर यह सील है और अब इसके अंदर केमिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बीच में कार्बन रॉड है फिर मैंगनीज uh, डाइऑक्साइड और पाउडर कार्बन है और अमोनियम क्लोराइड है तो ये सेल जो है इसके अंदर हमने कुछ केमिकल्स डाले जो कि uh, जो है क्या करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सो so, अब ये हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो एक एक्टिविटी हमने करी हमने एक सेल को लिया टेक आउट अ सेल फ्रॉम ट्रांजिस्टर रेडियो और टॉर्च तो ये सेल तो वही है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रेडी का सेल तो आप किसी भी अपने रिमोट से या बैटरी से या ट्रांजिस्टर से कहीं से भी आप जो है एक सेल निकालेंगे और आपको पता है कि सेल में एक पॉजिटिव साइन होगा और एक नेगेटिव साइन होगा आप इस सेल को कभी भी चेक कीजिएगा आपको एक पॉजिटिव साइन दिखाई देगा एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव साइन दिखाई देगा सो दिस साइन स्टैंड फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल तो जो आपका ये सेल uh, है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स होते हैं। जो जो ऊपर की तरफ मेटल कैप वाला पार्ट है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो नीचे की तरफ फ्लैट वाला पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल है सो so, प्रोट्यूडिंग मेटल कैप एट वन एंड ऑफ द सेल इज दर्मिनल एंडल बेस इजेटिव तो ये जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो नीचे वाला है ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का तो ये जो दो एंड्स हैं ये दो टर्मिनल्स होते हैं जिसमें से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो हमने इस पूरे केमिकल्स को एक जिंक कैन एक से क्यों कवर किया है ताकि इसके अंदर जो केमिकल्स है वो बाहर ना जा सके और इसके अंदर रहे और हमारा जो सेल का फंक्शन है वो हम यूज कर पाए सो आई होप ये एक्टिविटी आपको क्लियर है तो हम देखते हैं अंदर की कहानी कि एक्चुअली में ये सब होता क्यों है द जिंक कंटेनर इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इट इज सील्ड ऑन द टॉप एंड कवर्ड विथ

तो हम यूज़ करते हैं कभी कभी रिमोट की बात करें तो हमें दो सेल्स यूज़ करने पड़ते हैं बट अगर मैं कुछ हैवी मशीन्स की बात करूँ जैसे कि जिनमें एक सेल या दो सेल की एनर्जी काफ़ी ना पड़े और बहुत सारे सेल्स की एनर्जी चाहिए हो ताकि उनको हम फंक्शन को कर सकें जैसे कि कोई मशीन है जो कि नॉर्मल सेल से नहीं चल रही है सपोज़ उसको चार सेल चाहिए तो मैं चार सेल भी यूज़ कर सकती हूँ या फिर एक चार सेल का कॉम्बिनेशन जिसको कि मैं कहती हूँ बैटरी उसको भी यूज़ कर सकती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो इस बैटरी के फॉर्म में यहाँ पर आ गया है सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बैटरी एंड इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर यूज टूगेदर विच आर कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ बैटरी वाई इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ़ बैटरी हो सकता है किसी हेवी मशीनरी की रिक्वायरमेंट एक या दो या तीन सेल से पूरी ना हो रही हो तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं बैटरी टू और मोर सेल्स आर नीडेड टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बिकॉज वन सेल डज नॉट प्रोवाइड इनफ एनर्जी ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी तो कनेक्टेड सेल्स का जो ग्रुप है उसी को क्या बोलते हैं बैटरी और आपने इस फॉर्म में से देखा भी होगा ये इसी फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल भी रहती है सो आई होप बैटरी इज क्लियर टू यू अब हम देखेंगे हाउ डू वी यूज अ सेल हम सेल को कैसे यूज करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब की ये बल्ब में आप देखते हैं कि कुछ बल्ब को अगर हम ध्यान से पास से ऑब्जर्व करें तो उसमें से कुछ आ, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते रहते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है फिलामेंट इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है फिलामेंट और गैस के और बल्ब के अंदर एक कोई गैस फिल्ड होती है और वो गैस जो होती है वो ऐसी गैस होती है जो कि इनर्ट होती है इनर्ट यानी वो रिएक्ट नहीं करती है इट इज़ अ नॉट रिएक्टिव गैस उसके बाद ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है तो कांच की होती है क्योंकि हम सब ने देखा अगर बल्ब गिर जाए तो वो टूट जाता है सो द आउटर मोस्ट कवरिंग इज़ नथिंग बट द ग्लास बल्ब फिर यहां पर यह आपको बेस ऑफ द बल्ब दिख रहा है यहां पर ये यह जो हैं ये यहां से जुड़े हुए हैं तो ये बेस या फिर कैप ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब कहलाता है सो so, अब हम देखते हैं एक इलेक्ट्रिकल बल्ब को डिटेल में अ टॉर्च बल्ब और एनी इलेक्ट्रिकल बल्ब हैज थिन वायर इन साइड विच इज नोन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आप खुद भी अभी अपने घर पे नोटिस कर सकते कोई भी बल्ब को लेंगे अगर आप तो आपको दिखेगी उसमें से निकलती हुई दैट इज नथिंग बट द फिल्मेंट द बेस ऑफ द बल्ब हैज अटेलिक टिप विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द थिकर वायर्स इंटरनली तो ये जो बेस है ये वन ऑफ दायर्स से क्या होता है कनेक्टेड होता है तभी तो ये कनेक्शन होगा स so, है वो किसी दूसरी कनेक्टेड रहेगा द मेटल केस एंड द मेटालिक टिप आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब जैसे कि हमने सेल के दो टर्मिनल्स पढ़े थे पॉजिटिव और निगेटिव उसी तरीके से हम बल्ब के जो हमारे दो टर्मिनल्स है एक तो है उसमें से मेटल केस और एक जो है वो है मेटेलिक सो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल बल्ब और जब हम इसको फिट कर देते हैं सॉकेट में तो क्या होता है कनेक्शन कंप्लीट होता है और फिर हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब चलने लग जाता है तो ये अभी हमने इंटरनली पढ़ा कि एक बल्ब जो है वो क्या होता है उसके अंदर की कहानी क्या है उसके अंदर क्या क्या होता है सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ सेल सो इन आर नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर स्टडिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड बेसिकली वी विल भी फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक स्विच ऑन करने से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्यों आ जाती है और स्विच बंद करने से लाइट क्यों बंद हो जाती है इसका रीज़न भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू हेलो एवरी वन वेलकम टू मैगनेट ब्रेन आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स जो कि क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर है तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने सेल और बैटरी के बारे में पढ़ा था और आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता है एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है और तभी जो है इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड होती है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्यों होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू द वायर्स तो ये जो पूरा एक सेटअप है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि एक क्लोज पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं हम वो भी पढ़ेंगे सो करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे घर में करंट है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है ऐसा बोला जाता है सो करंट इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू क्लोज पाथ फॉर द करंट टू ट्रेवल लॉन्ग एंड द पाथ अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट वो पूरा क्लोज पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जब तभी इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी वेन यू कनेक्ट अ बल्ब टू अल विद वायर्स यू क्रिएट अ क्लोज पाथ और सर्किट थ्रू विच द करंट कैन फ्लो तो जब हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर्स एंड अ सेल तो आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ये क्लोज पात है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं बल्ब इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेल है फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये वायर्स हैं तो ये जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है ये बल्ब को अगर मैं बात करूँ एनर्जी कहाँ से मिलेगी ये बल्ब को एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म से वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए मैंने सेल यूज़ किया है तो सेल को मैंने यूज किया है ताकि बल्ब को एनर्जी दे सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बल्ब क्या कर सके ग्लो कर सके और ये सेल इस बल्ब से कनेक्टेड कैसे है थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो की काफी सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट है ये समझ में आ गया हो इट इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द फिल्मेंट ऑफ द बल्ब दट मेक्स द बल्ब ग्लो तो सेल ने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी करंट के फॉर्म में जिसने इस बल्ब को क्या कराया ग्लो कराया और कैसे ये दोनों कनेक्टेड है वाया कनेक्टिंग वायर्स सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द बल्ब एंड फ्रॉम देयर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल द सेल द बल्ब एंड द कनेक्टिंग वायर्स आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सर्किट तो हमने भी यही पढ़ा कि ये जो हमारा सेल है ये जो हमारा बल्ब है और ये जो कनेक्टिंग वायर्स है यही पार्ट है किसका सर्किट का इफ देर इज एनी ब्रेक इन द वायर और इन द फिल्मेंट ऑफ द बल्ब सर्किट इज ब्रोकन एंड बल्ब विल नॉट ग्लो यानी कि जैसे आपने देखा कि बल्ब है और वायर से सेल भी कनेक्टेड है बट अगर बीच में वायर टूट गई तो सर्किट भी ब्रेक हो गया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पहुंच पाई बल्ब तक तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा यानी अगर सर्किट जो कि एक क्लोज्ड पार्ट है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, अगर वो सर्किट कंप्लीट है तभी बल्ब ग्लो करेगा अगर सर्किट कहीं से भी इनकम्प्लीट है या ब्रोकन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा करंट फ्लो नहीं हो पाएगा सो आई होप आपको समझ में आ गया है अब बेसिक आइडिया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है बट एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक और मेजर uh, कॉम्पोनेंट है विच इज स्विच तो अगर मैं आपसे बात करूं मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट में अभी मैंने पढ़ा बल्ब होगा एक एक सेल होगा कनेक्टिंग वायर्स होंगी बट स्विच भी होता है अगर स्विच ना हो तो हम कैसे ऑफ और ऑन कर सकते हैं लाइट को हमारे घर की स्विच इज वेरी नेसेसरी तो कहने का ये मतलब है अगर स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा तभी लाइट चलती है तभी हमारे घर का बल्ब जलेगा बट अगर स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इसीलिए बल्ब या लाइट जलना बंद हो जाएगा सो so श्योर sure आपने स्विच देखा ही है डेफिनेटली आपके घरों में अब हम देखते हैं स्विच का रोल क्या है द सर्किट हैज़ अ सोर्स ऑफ करेंट डेफिनेटली वी हैव स्टडीड कि सर्किट में क्या होता है सर्किट में सेल होता है हमने पढ़ा और डिवाइस विच यूज दिस करंट जो बल्ब था जो जल रहा था ये सेल से करंट लेकर और वायर्स थी जिसके थ्रू करंट जो है फ्लो कर रहा था पर एक बार सर्किट कंप्लीट हो गया बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा अब बल्ब को अगर बंद करना है तो क्या किया जाए तो बल्ब को अगर बंद करना है यू कैन टर्न ऑफ द बल्ब बाय डिस्कनेक्टिंग वन ऑफ वायर्स आप जो है वायर को जो है हटा दो डिसकनेक्ट कर दो बट क्या हम अपने घर में ये करते हैं क्या हम वायर को टच करना भी प्रेफर करते हैं नहीं हमें डर लगता है कि हमें झटका ना लग जाए तो इसीलिए हम क्या करते हैं हम एक कन्वीनियंट ऑप्शन यूज करते हैं विच इज़ अ स्विच तो स्विच इज अ मोर कन्वीनियंट ऑप्शन यू कैन यूज अ स्विच जब स्विच ऑन होगा सर्किट कंप्लीट होगा और लाइट जलेगी जब स्विच ऑफ होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और लाइट बुझ जाएगी सो so, स्विच का मेन रोल आई होप आपको समझ में आ गया हो और अब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं अ स्विच इज अ डिवाइस यूज फॉर ओपनिंग और ब्रेकिंग एंड क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें दो टर्मिनल्स हैं टू विच द वायर्स कैन बी कनेक्टेड वेन द स्विच इज ऑन जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा जब स्विच ऑन होगा तो मेटल स्ट्रिप टच बोथ द टर्मिनल्स टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक पाथ बिटवीन देम तो जब भी स्विच ऑन होगा तो क्या होगा सर्किट कंप्लीट होगा व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ द मेटल स्ट्रिप्स मूव अवे ओपनिंग द सर्किट एट द टर्मिनल्स ओपनिंग द सर्किट का क्या मतलब है ब्रेकिंग द सर्किट यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो क्या अब इलेक्ट्रिसिटी आ पाएगी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी करंट फ्लो कर पाएगा नहीं तो क्या बल्ब ग्लो कर पाएगा नहीं सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ आई कैन यूज अ स्विच अगर मैं स्विच को यूज करूंगी तो वायर्स को डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा और स्विच को यूज़ करना एक कन्वीनियंट ऑप्शन होता है तो क्या फ्रेंड्स जब आप मुझे बता सकते हैं मेरे सर्किट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हो गए हैं एक सेल हो गया एक बल्ब हो गया कनेक्टिंग वायर्स हो गई और एक स्विच हो गई सो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स थैंक यू हेलो एवरी वन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स जो कि क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर है तो फ्रेंड्स हम हम ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में स्टडी कर चुके हैं जिसको जो कि नोट्स है आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेज डॉट कॉम पर मिल जाएंगे वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं तो फ्रेंड्स हमारे आज के चैप्टर आज का टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर से है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तो कंडक्टर्स एज द वर्ड सेज कंडक्टर्स यानी वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें और इंसुलेटर्स जो है वो कंडक्टर्स के ऑपोजिट होते हैं इंसुलेटर्स क्या करते थे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो वायर्स होती है हमारे घर में उनके ऊपर एक कोटिंग होती है ब्लैक कलर की वो जो कोटिंग होती है वो इसीलिए की जाती है ताकि अगर मैं वायर को टच करूँ तो मुझे करंट ना लगे और आपको पता है कि वायर का मेन काम क्या होता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अब अगर वायर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी और मैं उसके ऊपर वो कोटिंग ना दूं और उसे खुला छोड़ दूं तो मैं उसे टच करूंगी तो मुझे झटका लगेगा मुझे शॉक लग सकता है इसीलिए उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि रबर की या पीवीसी की कवरिंग होती है और वो कवरिंग ऐसी होती है कि उसको टच करने से मुझे झटका नहीं लगता यानी कि वो जो कवरिंग है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है क्योंकि जो वायर है अंदर उसके वो तो कंडक्टर की तरह एक्ट करती है तो अब हम एग्जांपल्स और डेफिनेशन देख लेते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल एंड कवर्ड विद प्लास्टिक तो हम पीवीसी प्लास्टिक या रबर कुछ भी यूज कर सकते हैं तो इसके इनके कहने का ये मतलब हुआ कि जो हमारा प्लास्टिक है वो इंस्यूलेटर है और जो हमारा मेटल है मेटल की वायर वो तो हमारा कंडक्टर होता ही है मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें उनके उनको अपने थ्रू फ्लो होने दें उन सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स बोलते हैं और इनके ऑपोजिट होंगे इंस्यूलेटर्स तो अब अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी अदर मेटल डज देन द लेड ऑफ अ पेंसिल इज मेड अप ऑफ कार्बन विच इज ऑल्सो अ कंडक्टर तो हमने कंडक्टर के एग्जाम्पल्स देखे सिल्वर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो अगर सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हम उसकी वायर्स क्यों नहीं बनाते क्योंकि सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिल्वर बहुत महंगा होता है इसलिए हम सिल्वर की वायर्स नहीं बनाते हम जनरली कॉपर की वायर्स जो हमारे घर में होती है दे आर मेड अप ऑफ कॉपर नाउ इंसुलेटर्स क्या है मटेरियल्स विच कंडक्ट ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी दे आर नोन एज बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स फॉर एग्जांपल वुड प्लास्टिक ग्लास रबर कोक पेपर माइका ये सब किसके एग्जाम्पल है ये सब इंसुलेटर्स है तो अब आपको समझ में आए कि मैं किसी भी वायर को मेटल का क्यों बनाती हूँ ताकि वो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी और उसे मैं कवरिंग प्लास्टिक की क्यों देती हूँ क्योंकि प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर तो ताकि मुझे शॉक ना लगे इसीलिए मैं मेटल की वायर को कवर कर देती हूँ प्लास्टिक से सो आई होप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये आपको क्लियर है अब हम एक और यूज देखेंगे इन दोनों कंडक्टर्स और का सो इलेक्ट्रिकल वायर्स हमें पता है किसकी बनी होती है दे आर मेड अप ऑफ कॉपर सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर बट इट इज नॉट यूज वाई हम मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है अलूमिनियम कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक वायर्स तो आप एलुमीनियम को भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक वायर्स। सो नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड स्विचेस एंड इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक सेपरेट्स द मेटल टर्मिनल्स फ्रॉम ईच अदर तो इंस्यूलेटर्स क्या करते हैं इंस्यूलेटर्स जो है वो दो मेटेलिक वायर्स को भी आपस में जो है कनेक्ट करने से स्टॉप कर देते द इलेक्ट्रिक वायर्स Used in most circuits are insulated either by by a a plastic or by a rubber covering. तो जो हमारी आ, वायर जो उन प्लास्टिक या, रबर कवरिंग होती है और ये एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस की कवरिंग इसीलिए जरूरी है ताकि कि हम उस वायर को टच करें तो हमें शॉक ना लगे सो so, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इंस्यूलेटर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे आपको ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है तो ये आपको दिख रहा है कि बल्ब ग्लो कर रहा है क्यों सेल से एनर्जी बल्ब को मिल रही है और कनेक्टिंग वायर्स हैं जो कि बल्ब को बल्ब को सेल से कनेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे ये जो मैंने लगाया है ये कंडक्टर है ये मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है आप देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ये इस पूरे क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने का मतलब है कि ये जो सब्सटेंस है इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू फ्लो करने दे रहा है तो फ्रेंड्स एक इसका एग्जाम्पल हुआ कंडक्टर का बट यहां अगर मैं देखूँ तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो अगर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो ऐसा इसीलिए है है, क्योंकि ये जो है, ये जो जो पेंसिल मैंने यूज करी है ये अपने थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने दे रही है यानी कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्यूलेटर सो आई होप कंडक्टर और इंस्यूलेटर क्या होता है ये आपको क्लियर है <coughs> तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हम पता कर सके कि क्या क्या जो है सब्सटेंसेस इंसुलेटर्स हैं और क्या क्या uh, जो है कंडक्टर्स हैं। अटैच वायर्स टू टू पेपर क्लिप्स तो uh, मैंने क्या किया है मैंने यहाँ पर दो पेपर uh, मैंने यहाँ पर दो क्लिप्स लिए हैं और ये इनसे मैंने वायर्स अटैच कर दिए और यहाँ पर मैंने सेल अटैच किया है दीज एट प्रोब्स ऑफ योर टेस्ट कनेक्ट द प्रोब्स टू अ बल्ब एंड बैटरी सर्किट एज शोन तो यहाँ पर जो है मैंने बैटरी लगाई है और यहाँ पर यह मैंने शॉर्ट ऑफ एक ऐसा सब्सटेंस लिया है जो कि ग्लो करेगा ये कब ग्लो करेगा जब ये सर्किट कंप्लीट होगा यानी कि ये जो सब्सटेंस है ये कंडक्टर होना चाहिए अगर ये इंसुलेटर हुआ तो यहाँ पर देर विल बी नो ग्लोइंग तो अगर ये सब्सटेंस जो है ये कंडक्टर अगर ये सब्सटेंस जो है ये कंडक्टर नहीं हुआ तो यहां पर कुछ भी ग्लो नहीं करेगा सो so, नाउ प्लेस बोथ द प्रोब्स ऑन अ कॉमन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट लाइक अ स्पून अ की एंड रेजर अ क्रेओन अ कोम अ पीस ऑफ अलूमिनियम फॉल एंड सो ऑन। तो अब ये एक्सपेरिमेंट ये एक्टिविटी तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं आपको क्या करना है एक सेल लेना है उसको कनेक्ट करना है यूजिंग अ कनेक्टिंग वायर और उसे किसी बल्ब से कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर दो क्लिप्स ले लेने हैं पेपर क्लिप्स और उनके बीच में आप कभी रखेंगे एक बार आप रखेंगे एक स्पून रख सकते हैं फिर दूसरी बार आप रख सकते हैं एक आ, की रख सकते हैं एक इरेजर रख सकते हैं क्रेन रख सकते हैं कोम रख सकते हैं एलुमिनियम फॉइल रख सकते हैं तो क्या होगा आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ केसेस में तो बल्ब ग्लो कर रहा है बट कुछ केसेस में बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अलूमिनियम फॉइल के केस में बल्ब ग्लो करेगा क्यों बिकॉज इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अगर मैं आपको बोलूँ इरेजर इरेजर के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्यों बिकॉज इरेजर और रबर इज़ अ इंसुलेटर और अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आई एम श्योर आप इस एक्टिविटी को ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेज इनमें से कंडक्टर्स हैं और कौन से इंसुलेटर्स हैं कंक्लूजन क्या निकला अगर बल्ब ग्लो करेगा तो मटेरियल टेस्टेड अलाउड द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट द मटेरियल डज नॉट लेट एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट दैट मीन द मटेरियल इज एन इंसुलेटर सो आई होप इंसुलेटर और कंडक्टर का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया हो अब इस कॉन्सेप्ट uh, को तो हम क्लियर कर चुके हैं फ्रेंड्स सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर और इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स थैंक यू हेलो एवरी वन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स जो कि क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर है और फ्रेंड्स आज हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको क्लास सिक्स के एन में भी मिल जाएंगे और ये क्वेश्चंस आई एम श्योर आपके एग्जाम्स uh, के लिए आपको यूज़फुल रहेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपने इस पूरे चैप्टर की वीडियोस मेरे साथ देखी हैं और इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ा है तो आज आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने में मेरे साथ पार्टिसिपेट ज़रूर कर पाएंगे और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट पर जाकर वहां पर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं तो लेट्स बिगिन हमारा आज का पहला क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता था फ्रेंड्स हमें याद है इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टिंग वायर्स होती थी हमारा बल्ब होता था सेल होता था और एक स्विच होता था तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक वो क्लोज पाथ था जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता था तो अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आप मुझे बता सकते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है सेल या फिर बैटरी भी यूज की जा सकती है बल्ब स्विच और कनेक्टिंग वायर्स तो फ्रेंड्स ये ये बेसिक कंपोनेंट्स हो गए आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज स्विच तो स्विच क्या है स्विच इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग अ सर्किट ओपनिंग यानी ब्रेकिंग तो एक ऐसा डिवाइस जो कि सर्किट को कंप्लीट करने के काम आए या सर्किट को ब्रेक करने के काम आए इट इज स्विच कहने का ये मतलब है जब आप अपने घर में लाइट्स अगर आपको लाइट ऑन करनी है तो आप स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और लाइट या बल्ब क्लो करने लगता है और जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से लाइट्स ऑफ हो जाती है तो यही फंक्शन है एक स्विच का कि इट कैन इधर कंप्लीट अ सर्किट और ब्रेक अ सर्किट नेक्स्ट वट आर कंडक्टर्स नेम एनी टू कंडक्टर्स सो कंडक्टर्स क्या है कंडक्टर्स आर सबेंसेज विच अलाव इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम सो इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो होने दे वो कंडक्टर है हम सबको पता है हमारे घर में जो वायर्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू फ्लो होने देती है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है तो वायर्स किसकी बनी होती है फ्रेंड्स कंडक्टर्स की तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है अलूमिनियम कॉपर एटसेट्रा सो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर इंस्यूलेटर्स नेम मैनी टू इंस्यूलेटर्स सो इंस्यूलेटर्स आर दो सबस्टेंसेज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते और उसे अपने थ्रू पास नहीं होने देते इंस्यूलेटर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है फ्रेंड्स प्लास्टिक रबर ये एग्जाम्पल्स हैं आपके इंसुलेटर्स के क्योंकि ये सब्सटेंसेस अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते वुड कैन ऑल्सो बी एन एग्जांपल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो तो जब भी अगर किसी को शॉक लगा हो तो उसे जल्दी से वुड पे बिठा दिया जाता है या वुड से टच कर दिया जाता है ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज वुड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट इज एन इंस्यूलेटर आई होप ये आपको समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चन अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं so is, called, तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करना है तो किसको यूज करके करेंगे अगर सपोज मुझे यहाँ की लाइट बंद करनी है तो मैं क्या करूंगी स्विच ऑफ कर दूंगी तो वो जो डिवाइस है उसे बोलते हैं स्विच नेक्स्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज डैश टर्मिनल्स तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने टर्मिनल्स होते हैं फ्रेंड्स टू टर्मिनल्स मार्क ट्रू और फॉल्स इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स जी हाँ हमें पता है जिस भी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके उसे हम कंडक्टर बोलते हैं और मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू सो ट्रू के लिए मैं टिक लगाऊंगी और फॉल्स के लिए क्रॉस इंस्टेड ऑफ मेटल वायरस जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट सो जूट स्ट्रिंग जो है वो इंस्यूलेटर होता है दैट इज वाई इट के नॉट बी यूज सो दैट इज वाई दिस इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल ये तो आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं आप ऑब्जर्व करेंगे कि थर्मोकोल जो है एक इंस्यूलेटर है दैट इज वाई जो है इलेक्ट्रिक करेंट उसके थ्रू पास नहीं करेगा सो दिस इज ऑल्सो false because electric current cannot pass through thermocol. So, I hope friends these questions are helpful for you. Uh, in our next video, we will be studying about the next chapter of class 6. Thank you.